बात है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है डिवाइड एंड रूल का वो गलत चल रहा है। राम मंदिर बनना डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है। वो दिखाया गया कि मैं हिंदू के लिए राम मंदिर बनवाया, हिंदू का राज आ रहा है। अच्छा। अरे हिंदू राज तो पूरी तरफ है, कहाँ से आएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज से लेकर हवलदार से लेकर जमादार से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी हिंदू है। हाँ। तो राज है नहीं तो कहाँ से राज होगा? चलिए आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री से लेकर के हवलदार तक हिंदू है और हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब है क्या लगता है उसकी जो अंतिम पैमाना है वो प्रधानमंत्री हवलदार बनने का राज है वो मुसलमान होना या हिंदू होना है या डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ चुना जाना और परीक्षा देना? डेमोक्रेसी है अभी डेमोक्रेसी का हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं था? आप मिसलीड कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं था? बिल्कुल था। अब वहाँ हटने पे क्या हो गया? मिसलीड काहे कर रहे हैं? पहले हिंदुस्तान की बात, पहले मैं नेपाल में हिंदू राष्ट्र। आपने कैसे कहा कि हिंदू राष्ट्र है? हां क्या कह रहे हैं? फूट नीति करो, फूट नीति और राज करो, मतलब फूट डालो राज करो। हां फूट डालो, भाजपा ने किया है, भाजपा ने किया और करेगा। मेरे बहुत दोस्त हिंदू है, बेंद्रनाथ दोस्त हिंदू है। अरे तो आपको कौन कह रहा है कि आप रहते हैं? लेकिन जब से ये आए हैं उल्टे सीधे। हां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बड़ी मुबारकबाद है, हाथ मिलाइए। अब ये बताइए कि राम मंदिर जो बना उसमें गड़बड़ी क्या हुई? हमसे कोई गड़बड़ी नहीं उसमें, उसमें गड़बड़ी आप कह रहे फूट डालने की बात है। वो फूट डालने की बात है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है डिवाइड एंड रूल का वो गलत चल रहा है। राम मंदिर बनना डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला, वो दिखाया गया कि मैं हिंदू के लिए राम मंदिर बनवाया, हिंदू का राज आ रहा है। अरे हिंदू राज तो पूरी तरफ है, कहाँ से आएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज से लेकर हवलदार से लेकर जमादार से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी हिंदू है। तो राज है नहीं तो कहाँ से राज होगा? अच्छा और कौन सा राज चाहिए? पूरा राज ही है। तो क्या प्रधानमंत्री बनने का आधार ये है कि वो हिंदू है? हिंदू नहीं, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं? मैं कहने का मतलब ये है हिंदू राष्ट्र आएगा तो हिंदू राष्ट्र क्या होगा? कुछ होगा क्या होगा? आपको क्या लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री से लेकर के हवलदार तक हिंदू है और हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब है क्या लगता है उसकी जो अंतिम पैमाना है वो प्रधानमंत्री हवलदार बनने का राज है वो मुसलमान होना या हिंदू होना है या डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ चुना जाना और परीक्षा देना? डेमोक्रेसी है अभी डेमोक्रेसी। कैसे कहा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं था? आप मिसलीड कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं था? बिल्कुल था। अब वहाँ हटने पे क्या हो गया? मिसलीड काहे कर रहे हैं? पहले हिंदुस्तान की बात, पहले मैं नेपाल में हिंदू राष्ट्र। आपने कैसे कहा कि हिंदू राष्ट्र है? वो हिंदू राष्ट्र है कैसे? अरे हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा? आप पता होगा आपको, आप अरे पता नहीं है हिंदू राष्ट्र कहाँ बना, आप बताइए हिंदू राष्ट्र है? पता नहीं, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र है। अरे सब कुछ तो वही है क्या? नहीं ना, जो चाहो वो होगा। आप खड़े हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, हमसे बहस कर रहे हैं? नहीं मना, मना ही है। अरे बिल्कुल काहे के लिए मना, हम बोलेंगे आपसे। अरे नहीं यार, दिमाग में कीड़े घुसे होते हैं वो नहीं ठीक हो सकते भाई, के घुसे हुए हैं, इनको पता है नहीं जवाब का देना है, बस बोलना है, माइक पे आके दो मिनट बोल दिया। अरे भाई बोलना है तो जवाब दो ना, अब कहाँ हिंदू राष्ट्र है, कहाँ हिंदू राष्ट्र है बताओ, बोल तो तुमने दो मिनट में दिया चपड़ासी ये वो लटर मटर, जवाब दो ना भाई, पूछ रहे तो देख नहीं रहे जवाब, अब फिर तुम घुमा रहे हो नेपाल पहुंच गए दो मिनट में। सवाल जानना चाहती है कि आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री से लेकर के हवलदार तक हिंदू है, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र है, तो आप बताइए। तो ये कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती, मंदिर ऐसे बन जाता, तरीके से बना तो तरीके से बना ना। तो भाई तू ये अब यहाँ खड़ा कह रहा है कि कोर्ट ने ऐसे कर दिया, हिंदू राष्ट्र है इन्होंने इस करके बना दिया, ये वो कर दिया, तो भाई फिर मत बोलो ना भाई, फिर मत बोलो फिर भाई, फिर आप ये गलत बात, एक गलत बात, यहाँ एक बात खड़े होकर गलत आप मत बोलो कि ये सारे हिंदू थे इस करके मंदिर बन गया, ऐसे नहीं बना, कानून के तरीके से बना है, कानून के तरीके से बना है, इतने साल केस चला है उसके हिसाब से बना है। अगर 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 हिंदू के हिसाब से बनना होता तो कब का बन जाता? मोदी कब आया था? 2014 में आया ना, रिजल्ट कब आया, रिजल्ट कब आया? ये अब आया, दो साल तीन साल हुए हैं। अगर उसने बनाना होता जैसे प्रधानमंत्री बोलता, वो अपना पार्लियामेंट में बिल निकालता और मंदिर बनवाया था अगर उसने बनवाना होता तो, लेकिन फिर भी उन्होंने सबका सम्मान करा, तरीके से केस चला उसके बाद बना। आप खड़े होकर ये मत बोलो कि हिंदू था या ये हिंदू है वो हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? तो फिर ये मानसिकता हटा दी है क्या? भाजपा ने काम किया, भाजपा ने ये मंदिर बनाया, ये मानसिकता हटवा दी, भाजपा ने मंदिर बनाया। इसकी सरकार में जो काम होता है ना, अब ये फ्लाईओवर बना यहाँ पर, अब ये सड़क बनी है, इस टाइम केजरीवाल है तो इसका ही नाम रहेगा जिंदगी भर। अब भाजपा ने अगर अगर कांग्रेस ने अगर कांग्रेस अब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए केजरी उसके बाल में शीला दीक्षित टाइम में, तो इतिहास चाहे 100 साल भी बात होगी ना कॉमनवेल्थ गेम की, तो बात ये हुई कि शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनाए, सुन ले भाई सुन ले, शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनाए, शीला दीक्षित ने ये बनाया, शीला दीक्षित ने वो बनाया। जिसकी सरकार होती है जो कुर्सी पे बैठता है उसी का ही नाम होता है, उसी का नाम होता है, मोदी सरकार बाद में बनेगी, यही नाम होता है। आप भी घर के अपने हेड हो ना, अगर आप कोई काम करोगे तो घर में आपका ही नाम होगा, किसी तीसरे का नाम नहीं होगा। इस टाइम बीजेपी सरकार है, कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे आ गया भाई तू। अरे भाई जिसकी सरकार होती है नाम उसी का ही होता है, क्यों नहीं समझ रहे यार? सुप्रीम कोर्ट चुनाव, अच्छा बताइए, रुकिए रुकिए, आप अभी जो हमारे जज साहब है चीफ जस्टिस, उनसे पहले चीफ जस्टिस कौन था? ये सब मुझे नहीं मालूम। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? इससे पहले अपने प्रधानमंत्री वो थे मनमोहन सिंह, पता है ना, ऐसे होता है
यही होता है कि प्रधानमंत्री का नाम जनता को पता होता है, किसने काम किया। मान लीजिए मैं आपसे एक चीज कहूँ, मनरेगा, मनरेगा किसकी सरकार में है? मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, इतने बता रहे हो। बेसिक में बहुत नॉर्मल सी बात, मेरे को बेसिक नॉलेज है। हेड का नाम याद रहता है, पॉलिटिक्स हमेशा एक हेड का ही नाम याद रहेगा जिंदगी में तुम्हारे को। अब दिल्ली की शीला दीक्षित सीएम थी, कॉमनवेल्थ गेम हुए, चाहे आज से 50 साल बाद भी कभी नाम होगा ना गेम का, तो बाद नाम उसके शीला दीक्षित होगा, केजरीवाल का नहीं होगा। मैं एक बात भाई को बता दूं, अगली बार किसी से भाई साहब ये मत कहना कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होने की वजह से हुआ, हिंदू हवलदार, हिंदू सिपाही। बीजेपी का नाम क्यों आता फिर कि बीजेपी ने किया? बीजेपी हिंदू राष्ट्र की ठेकेदार है, राजा दशरथ हैं बीजेपी वाले। सरकार नहीं है क्या? क्यों नहीं ना? तो फिर आप बीजेपी का नाम कैसे ले रहे हो? क्यों नहीं है? हमको तो बीजेपी में थे। आप नहीं बोलोगे बीजेपी ने बनाया है? सतयुग में पहुंच गया था। नहीं नहीं, आप नहीं बोलोगे। मालिक देखो, यही चीज है, ये बहुत मिसलीडिंग मैसेज होता है। इसका आधार हिंदू होना नहीं है, ठीक है? इसका आधार हिंदू होना नहीं है। अगली बार किसी से भी ये मत कहिएगा, ठीक है? हिंदू राष्ट्र नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, मान रहे ना? बढ़ तो उसी तरफ रहा है ना। अरे दिया यार मालिक, बढ़ तो उसी तरफ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? आरएसएस है। हाँ, आरएसएस में क्या दिक्कत है? आरएसएस को नेहरू ने इनवाइट नहीं किया था परेड के लिए, तो नेहरू में क्या दिक्कत है? नेहरू हिंदू राष्ट्र के पहले किस लिए आरएसएस किस लिए सांस्कृतिक रूप से भारतीयता जो है उसको बचाने के लिए, वो एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संगठन बचाने के लिए ना, के मारने के लिए किसको मार रही है, किसको नहीं मार रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नाम बताइए जिसने मारा होगा। नहीं मार रही, बताइए। You know better, बताना पड़ेगा। You know better well. अरे हम कैसे जानते हैं यार? हम ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। अरे आप बताओ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता को जिसने किसी को मारा हो। आप दूसरे से क्वेश्चन कीजिए प्लीज। अरे नहीं यार, कुछ बुरा बात हो रहा है, कुछ बुरा बात हो रहा है, बात बढ़िया हो रही है ना। अब बात बताइए, आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसने किसी मुसलमान को या किसी को भी मारा हो। अरे हमारे खुद मित्र है उसमें। नहीं यार रुको यार, हमारे खुद मित्र सुन रहा हूँ भाई को कि भाई नाम तो बता दो। नहीं नहीं, आप नाम, एक नाम बता दो। अरे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, लोकतांत्रिक था, खत्म हो गया है। अब भी देखो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक नहीं रहा। ना ना ना, जो भारत में, जो भारत का भला चाहता है वो जानता है कि आरएसएस का कोई भी स्वयंसेवक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, आपदा के अंदर हमेशा सबके साथ खड़ा रहता है, ना धर्म देखता ना जाति देखता। लेकिन ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले गड़बड़ काम कर रहे हैं। अरे भाई कैसे, एक तो जगह बता दो। अरे बहुत है, मैं बताने छोड़िए, आप गिनवा तो बहुत देंगे। ऑन कैमरा मेरे कुछ नहीं बोलना, नाम तो छोड़ो, जगह बता दो। ऑन कैमरा मेरे जगह छोड़ो, कानपुर का हूँ। नहीं नहीं, आरएसएस स्वयंसेवक ने कहाँ मारा ये बता दो। मेरे घर पास में ही आरएसएस है, घर के पास में ही एकदम, मैं वही रहने वालों। फिर तो क्या हुआ आपको, आज तक दिक्कत हुई शाखा की वजह से? हम क्या बताएं आपको, छोड़िए बताइए ना यार। अरे नाम बता, उसके आते हुए निकल जा रहे हैं, इसका नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मच... है दिक्कत है। तो दिक्कत बताइए ना, इनको दिक्कत आरएसएस से है, तो उसके वजह से जो झूठे आरोप लगाना चाहते लगा देते हैं। उसके बाद आपने तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोल दिया, आज तक किसी ने बोला नहीं था, तो आगे बोल के निकल जाते थे कॉपी पेस्ट के तरीके से। तो आज इनके पास जवाब नहीं है, क्यों आरएसएस के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, जबकि वो हमेशा आपदा में खड़ा रहता है। कहीं भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा पहले खड़ा होता है, कभी अगर कहीं बाढ़ आती है तो सबसे पहले खड़े होते हैं। और कौन सा संगठन ऐसे जाके खड़ा होता है ये बताओ? और कोई नाम नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, तब भी रास्ते में सबको समझानते। तो भाई क्या दिक्कत है बताओ, इतना सारा चीज बता दिया, क्या दिक्कत है? इतना सारा चीज पक्ष बता दिया, अब विपक्ष में बात करें। 20 काम गिना जो गलत है बताओ एक। अरे हमें नहीं एक बता दूंगा, एक भी काम गिना दूंगा, लेकिन कर मैं कर तो बहुत कुछ दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं कर तो बहुत कुछ दूंगा लेकिन करूंगा नहीं, कर तो मैं बहुत दूंगा लेकिन करूंगा नहीं। तो ये ऐसा करना किस काम का? ऐसे लोग कितना, ऐसे लोग देखिए जो देश के लिए ना किसी काम के नहीं होते, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब राष्ट्र स्वयंसेवक संघ बहुत सारे लोग हैं, अगर आज ये भाई भी है ना, ये कहेंगे आरएसएस वाले आप करते हैं, उनके कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लिए कहते हैं कि नहीं ये लोग सेवा का काम करते हैं, बढ़िया लोग हैं, और उनसे वो प्रभावित होते हैं, और राष्ट्र स्वयंसेवक वाले भी बिना किसी जाति, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख के सबकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, अब हम क्या कहेंगे बताओ? अभी हमारे भाई खड़े हैं, अगर कोई एक सवाल है खाली छोटा सा, अरे यार बताओ, मुंह छुपा के चले जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, तो क्या लगता है जो अभी इन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस मिल करके एक ऐसा तरीका बना रहे हैं कि सरकार बनाते जा रहे हैं, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं चीज़ों को, देखिए लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। भारत माता की नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं, तो उसमें हिंदू राष्ट्र है नहीं, और जय श्री राम और महादेव का नारा अगर वो लगाते तो अपने अपने धर्म को तो पूजेंगे ही, अब उसको कोई हिंदू राष्ट्र में मोल्ड कर दे, वो कर दे, तो जो उसकी तो वो है। और हिंदू राष्ट्र भारत अगर बनने जा रहा है वो किस राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं, इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था की वजह से बनने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई इसके अंदर आपको कि उनका रोल है या फिर कुछ है वो नहीं है, वो बात गलत है। लेकिन अगर देश की मांग उठती है कि हिंदू राष्ट्र बने, जैसे मुझे लग रहा है आप चीज़ों को समझते हैं, तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा?
मतलब क्या होगा? देखिए, सबको हिंदू बना दिया जाएगा? सबको हिंदू नहीं बना दिया जाएगा, लेकिन जिस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र, मतलब कि जहाँ से हिंदुओं का सबसे ज़्यादा रहना होगा, जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा संख्या होगी, और वो देश उस पद्धति पे चलेगा। तो क्या संख्या बल के आधार पर दूसरों को डराएंगे, क्या करेंगे? मतलब एक सवाल बनता है, जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो कहते करेंगे क्या भाई इसका? देखिए, कौन इस वजह से डरा रहा है और कौन डर रहा है, ये तो मीडिया चैनल पे बैठने वाले जितने भी धर्म गुरु हैं वो बताते हैं कि वो क्या डरा रहे हैं, क्या डर रहे हैं। इतना कहे तगड़ा, मतलब आए, तगड़ा चोर है वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू, ये सब चोर है। चोर है, हाँ जी। अभी प्रधानमंत्री बना राज है, गुंडा राज, गुंडा राज है। कैसे गुंडा राज? गुंडा राज है, पूरा गुंडा राज है, पूरा सुशासन बाबू कहलाते हैं, कुछ भी नहीं कहलाते। इस बार खत्म है वो, खत्म है इस बार, खत्म है। अरे यार, उतना माहौल टाइट किए हैं अपना, माहौल टाइट नहीं है, गुंडा राज है वहाँ, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बिहार के आदमी सब बाहर इधर उधर जा रहे हैं, मार खा रहे। अच्छा, और ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहते हैं भाई इनके यहाँ काम नहीं हुआ, बेरोजगारी फैल गई। नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, क्यों नहीं करा, सब कुछ अच्छा करा इन्होंने, बिजली दिया, पानी दिया, सिलेंडर दिया, हर चीज दिया, रोजगार दिया है। कितने कॉलेजेस बनवाए? पढ़ाई के लिए क्या किया? पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए कहाँ पे? यूपी में, हमारी बिहार के। अच्छा ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ओके, कितने कॉलेजेस बनवाए? पढ़ाई के मामले में क्या है? नहीं, कितने सब कुछ कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार सही है या तेजस्वी यादव? क्यों नहीं, मैं तो यूपी का हूँ, मैं इसकी बात करूँ, यूपी बिहार ना करूँ। ठीक है, देश देश ठीक है, देश में है ना, आप सिर्फ इतना बताए कॉलेजेस कितने बनवाए? पढ़ाई बड़ा सवाल बनता है, कॉलेज तो कर ही रहे हैं, कॉलेज भाजपा अगर अच्छा करी तो कॉलेज में क्या करिए बताओ? सब कुछ करा है उन्होंने, क्या नहीं करा, सब कुछ करा है, सब कुछ। वो पूछ रहा कॉलेज कितना बना करो, सब कुछ करा है, सब कुछ करा है। अभी आपको पता है कितना कॉलेज भाजपा ने बनवाया? नहीं पता, नहीं बनाया, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता कहाँ से रहेगा, बनाया ही नहीं तो पता कहाँ है। शौचालय बनवा है, लेकिन शौचालय ज्यादा वाला है, हर घर में शौचालय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी मतलब शौचालय पहले से था। आप बड़े अमीर होंगे ना सबके घर में, आप गांव जाके, मैं भी गांव से हूँ, शौचालय मत कहिए, हमारे यहाँ फ्री में एजुकेशन मिल रहा था, लेकिन शौचालय के चक्कर में कितने शौचालय अब हो गए लगभग में। नहीं नहीं, बिहार से हूँ यार, बहुत बहुत पिछड़ा गाँव से हूँ। हाँ जी, फिर भी शौचालय था, शौचालय हर जगह है, अब हर जगह हो गए हैं। फिर जो प्रचार होता है इतना बड़ा बड़ा पोस्टर में लग के, इतना करोड़ शौचालय जो हुआ है, प्रचार ही हुआ है, प्रचार ही हो रहा, हर जगह प्रचार ही हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। 24 में क्या लगता है माहौल किसका है? 24 में तो बहुत, हाँ ये एजुकेशन पे तो इस बार जरूर होगा। अच्छा, हाँ जी, एजुकेशन पे इस बार जरूर माहौल बनेगा। आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिहार की तो मत पूछिए, लगभग में ठीक ठाक है, जी अभी ठीक ठाक चल रही है। क्या लगता है, बिहार से कोई नेता उठ करके दिल्ली आए तो माहौल टाइट कर सकता है? जी नीतीश कुमार, जी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कितने कॉलेजेस बनवाए हैं? वो ऐसे समझिए ना, 2015 से लगभग में, अभी मेरा घर सुपौल है, सुपौल में वो खुद ही इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, मेरे सामने में है, जो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, बनवाया है, प्रचार किया था, हम तो बिहार से है नहीं, लेकिन सुनते हैं कि वहाँ भाई 3 साल का डिग्री 6 साल में होता है, ऐसा है क्या? नहीं होता, मेरा 3 साल में ग्रेजुएशन हुआ। 3 साल में जी, कौन से कॉलेज से? बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तब यार जो प्रचार किया था उसमें नहीं, वो सब फेक है, सब फालतू चला रहे जी, मेरा खुद ही हुआ है, 3 साल में हो गया, सब अच्छा है। जी जी।